आरक्षण के खिलाफ स्वर्ण आर्मी बनाकर देश भर में घूमने वाले और हमेशा विवादों में रहने वाले स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे प्रतापगढ़ एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वहीं रास्ते में रायबरेली में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने चुनाव लड़ने का भी दावा किया है और कहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ूंगा। सर्वेश जी, क्यों आना हुआ रायबरेली, आज आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रतापगढ़ में एक स्वर्ण सभा का आयोजन किया गया है जिसमें मैं मुख्य अतिथि हूँ और हमारे संगठन के द्वारा किया गया है। तो मैं रायबरेली होते हुए जा रहा था तो मेरे बहुत सारे भाई बहन थे जो मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुका और अपने भाइयों से मैंने मुलाकात की। सर्वेश जी, लगातार आप आरक्षण के विरोध में मुहिम चला रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी उम्मीद है इनसे आपको? देखिए, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है तो अपने सवर्ण समाज से है। जो समाज संगठित होगा उसी समाज का राज होगा। जिस दिन हमारा समाज संगठित होगा हमारे समाज की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक चीज़ और, इस समय एक मुहिम चल रही है संविधान बचाओ संविधान बचाओ, संविधान लेकर लोग घूम रहे हैं, उनसे कितना सहमत हैं? वो संविधान नहीं बचा रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जातीय जनगणना की बात हो रही है इस समय? देश में जातीय जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। सुविधा व्यवस्था व्यक्ति के लिए नहीं, गरीबों के लिए होनी चाहिए। लगातार आप विवादों में रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से, जो है बहस पर आपकी कई ऑडियो वायरल हुई, क्या लगता है, डर नहीं लगता आपको? मैं कभी किसी विवाद में नहीं रहा। जब बड़े बड़े नेताओं ने अपनी मर्यादा को गोल करके एक विशेष समाज को टारगेट करने का काम किया तो मेरा जो अपने समाज के प्रति कर्तव्य था उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैंने उनको जवाब देने का काम किया। स्वर्ण आर्मी क्या आगे चुनाव लड़ना चाहेगी? मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, समाज के लिए सड़क पर लड़ना होगा, सड़क पर लड़ेंगे, संसद में लड़ना होगा, संसद में लड़ेंगे, समाज के लिए ही लड़ेंगे।